नमस्कार दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबी। तो उसके लिए हमने एक कटोरी मैदा लिया है। मैदे को हम एक बाउल में डाल लेंगे और हम थोड़ा सा इसमें सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा। तो इसको डाल के हम अच्छे से पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। खाने वाला सोडा डाले हैं, इसको अच्छे से हम फेंट के, गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, इसको अच्छे से फेंटना है। तो अच्छे से फेंट के दिखा रहे हैं। देख सकते हैं इसको हमने फेंट लिया अच्छे से मैदे को। तो हम इसको एक घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे, फिर आज आगे का प्रोसेस हम दिखाएंगे। देख सकते हैं एक घंटे हो गया है। तो हमारा जो आटा है जलेबी का अच्छे से फूल गया है। तो हम चलते हैं उसका वो बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए मैंने एक कटोरी, उसी कटोरी से चीनी लिया है। और चीनी को हम चलते हैं गैस की तरफ, तो हम चाशनी को बनाएंगे। तो देख सकते हैं गैस हमने ऑन कर दिया है। हम इसी कटोरी से एक कटोरी पानी डाल देंगे। हम इसको अच्छे से चीनी घुलने तक इसको अच्छे से चलाएंगे। देख सकते हैं चीनी हमारा घुल चुका है। तो हम इसमें अब थोड़ा सा ना फूड कलर डाल देंगे, ऑरेंज कलर। तो आपके पास जो कलर होगा डाल सकते हैं, हम ऑरेंज कलर डालेंगे। देखिए, तो इसको एक तार की चाशनी बनानी है। अभी हम इसको और पकने देते हैं अच्छे से। तो जब हमारी एक तार की चाशनी बन जाएगी, फिर हम दिखाते हैं आपको कैसी बनती है एक तार की चाशनी। देखिए हमारा जो ये हमारा जो चाशनी है वो एक तार का हो गया। आप लोग ऐसे करके उंगली से ऐसे करके देख सकते हैं, गरम चाशनी ऐसे एक तार का चिपचिपा सा हमारा हो गया। तो हम चाशनी को हटा देंगे और हम कढ़ाई रखते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो चाशनी हो गया था। तो अब हम इसमें जलेबी का आटा जो हमने घोल बनाया था उसको हम इसमें भरेंगे। तो आपके पास सॉस का बोतल हो उससे भी कर सकते हैं, कपड़े में भी कर सकते हैं, कई लोग किस तरह करते हैं। तो हम ये दूध का पैकेट लिए हैं, इसमें हम अपना बैटर डाल देंगे। एक बार में सारा नहीं डालेंगे क्योंकि हम दोबारा डाल देंगे, हमारा पैकेट थोड़ा छोटा है। तो ऐसे ग्लास में करके और रख के आप डाल सकते हैं। तो हमने ऐसे भर लिया इसमें। अब इसमें हम ये जो रबड़ होता है, हम एक रबड़ लगा देंगे इसमें यहाँ से। देख सकते हैं ऐसे करके हम इसमें रबड़ लगा देंगे। हम अभी प्लास्टिक में छेदा नहीं करे हैं, तो हम छेद करेंगे इसमें एक कोना। हम इसका ऐसे ये जो कोना है जितना मोटा रखना है मुझे, उसका कोना हम ऐसे कट कर देंगे। तो थोड़ा पतला ही काटना क्योंकि जलेबी हमारी फूलेगी तो मोटा हो जाएगा। देख सकते हैं कैसे निकल रहा है। तो हम तेल गर्म होने के लिए रख रखे हैं, फिर हम दिखाते हैं आप लोग को। देख सकते हैं एक बार का जलेबी हमने डाल दिया है कढ़ाई में। तो कैसे डालना है हम दिखाएंगे आपको अभी। एक बार हमने डाल दिया था, तो इसको हम चाशनी में डालेंगे। इसको अच्छे से अलट पलट के हम सेक लेंगे, फिर इसको हम चाशनी में डालेंगे। तो हमने एक तरफ हमने चाशनी रखा है और हम चाशनी में इसको डाल देंगे।
तो चाशनी हमारी थोड़ी गुनगुनी सी गर्म है, इसमें हम इसको उठा के डाल देंगे। देख सकते हैं आप लोग, हम इसको इस तरह इसमें गोल गोल घुमा के डालेंगे, ऐसे बीच में लॉक कर देंगे। देख रहे हैं मेरी जलेबी बन रही है। हम अच्छे से पलट लेंगे इस तरफ से। अब हलवाई जैसी शेप तो आएगी नहीं, पर बहुत अच्छी टेस्टी बन रही है जलेबी मेरी, दिखाएंगे आप लोग को। देखिए दोस्तों कैसे डाल रहे हैं, ऐसे गोल गोल करके बीच में लॉक कर देना है। एक बार में आपका जितना आया उतना ही डालना दोस्तों। इसको अच्छे से हम पकाएंगे कुरकुरी। पलट के अच्छे से दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। देख सकते हैं हमने इसमें चाशनी में डाल दिया है निकाल के अपनी जलेबी को, तो इसमें चाशनी में अच्छे से डिप कर देंगे। अब हम दूसरी बार का भी बना लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा जलेबी बन रहा है हमारा। देखिए आपने गोल तो जलेबी बहुत खाई होगी, या हार्ड शेप वाला पहली बार खा रहे हैं। देख सकते हैं ये देखिए, देख सकते हैं मेरी जलेबी। देखिए कुरकुरी जलेबी कितनी अच्छी बनी है। जलेबी हमारी बन चुकी है, हम इसको लास्ट जलेबी थी ये, हम इसको सीरा में डिप कर देंगे। हमारी चाशनी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि जलेबी हमारी पूरी बन गई है। हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप लोग हमारी जलेबी बनके तैयार हो गई है। तो हम एक कटोरी मैदे में एक प्लेट जलेबी बना दिए हैं। तो बहुत आसान ट्रिक है, और ये जो आकार है देखिए हमने गोल भी बना रखा है जलेबी, और हम दिल शेप का भी बनाए हैं। तो आपके पास बच्चे होंगे तो आपको भी पता होगा कि बच्चों का डिमांड कितना होता है, और बच्चे कहेंगे मम्मी इस शेप का बनाओ, मम्मी उस शेप का बनाओ। उसके हिसाब से कोई देखिए मैंने रेक्टेंगल की तरह भी बनाया है, मम्मी ऐसे बनाओ स्टार की तरह बनाओ, तो उन बच्चों के डिमांड के हिसाब से हमने बनाया है। कोई गोल है, कोई दिल शेप का है, तो आप लोग भी अपने घर में बनाइए।
और खाइए, बहुत टेस्टी बना है। हम तोड़ के भी दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं कितनी कुरकुरी बनी है, देखिए, और बहुत अच्छी है। आप लोग भी बनाइए और खाइए, और हमारी वीडियो को देखा करिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।